मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते, मेरा नाम है महेश पलावत। यह है SkyMet Weather का मौसम अपडेट और मौसम पूर्वानुमान। मानसून समय से पहले प्रगति कर रहा है, काफी अच्छी बात है। हालांकि मानसून बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, यानी कि मानसून की बारिश सब जगह पर बहुत अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन गनीमत यह है कि समय से पहले यह आगे बढ़ता जा रहा है। परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं इसके समय से पहले आगे बढ़ने के लिए, और पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है यहां पर अभी भी भारी बारिश की संभावना है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक यानी बेंगलुरु और उसके आसपास के इलाकों के साथ साथ रायलसीमा और तमिलनाडु के उससे सटे हुए इलाकों में बारिश अच्छी हो सकती है। तो वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं पहले ये देख लेते हैं। तो पश्चिम विक्षोभ जो सेंट्रल पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर पर था वो थोड़ा सा आगे आ गया है, और साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी भी इंड्यूज हुआ है, ये सेंट्रल पाकिस्तान पर है। ट्रफ रेखा लगभग उसी जगह पर है जहां पर थी। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो बिहार और झारखंड के ऊपर देखा जा सकता है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां ट्रफ रेखा होती है उस इलाके में वेदर एक्टिविटी होती है, लेकिन मॉइस्चर मिलना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस इलाके में अभी मॉइस्चर बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, हालांकि WD में मॉइस्चर होता है। तो उसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद इस इलाकों में हल्की बारिश और एक दो मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं। बाकी जो पहाड़ी इलाके हैं वो लगभग शुष्क रहेंगे, बादलों की आवाजाही होती रहेगी, लेकिन बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। हीट वेव एक बार फिर अपना रूप दिखा रही है, हालांकि उमस बहुत ज्यादा नहीं है। उसका कारण यह है कि जो पहले पूर्वी हवाएं चली थी, आपने देखा था जो मई के एंड में चली थी, 20-21 मई के बाद से जो चलना शुरू हुई थी, उससे उमस बढ़ गई थी, यानी वेटवल टेम्परेचर बढ़ गया था। वेटवल टेम्परेचर होता है यानी कि जो टेम्परेचर ऑफ एवोपरेशन, अगर वेटवल टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या होता है कि उमस काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और हमें जो पसीना है हमारे शरीर में वो सूखता नहीं है, और जब सूखता नहीं है तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है, और उससे क्या होगा कि फैटलिटी होने की संभावना, हीट स्ट्रोक की संभावना बन जाती है। लेकिन गनीमत है कि जो पश्चिमी हवाएं चल रही हैं उसके कारण सूखी गर्मी है, हालांकि जो पहले थोड़ा सा मॉइस्चर था उसके कारण थोड़ी सी उमस है, लेकिन बहुत ज्यादा उमस अभी नहीं है। 15 जून के आसपास के बाद से जब हवाएं पूरी तरह से काफी ज्यादा ऊंचाई तक पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी से आना शुरू हो जाएंगी, अरब सागर से आना शुरू हो जाएंगे उत्तर भारत में, तब उमस काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तो अभी फिलहाल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के ज्यादातर इलाके और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके शुष्क और गर्म रहेंगे। लू कई इलाकों में चलेगी, तापमान 46 डिग्री से ऊपर कई इलाकों में पहुंच चुके हैं, हो सकता है 47 डिग्री का भी आंकड़ा एक दो जगह पर पहुंच जाए, और दिल्ली में भी अब हीट वेव आने की संभावना है। अगले 3-4 दिनों तक यहां पर किसी भी तरह की बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। अब देखते हैं कि मध्य भारत में क्या है। तो मध्य भारत की अगर हम बात करें तो मध्य भारत में भी अब देखिए जो हवाएं हैं जैसे पहले भी चल रही है कई दिनों से, खासकर राजस्थान में और उत्तरी गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, यहां पर क्या है गर्म हवाएं, ये राजस्थान है, गुजरात के उत्तरी इलाके हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, विदर्भ है, मराठवाड़ा है, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, ये सारी जो हवाएं हैं काफी ज्यादा गर्म है। तो इस इलाके में लू का प्रकोप जारी रहेगा, और जो गुजरात के जो दक्षिणी इलाके हैं जैसे कि द्वारिका, वेरावल, सोमनाथ, अमरेली, ये सूरत, बलसा, डेंग, पंचमहल, ये जो इलाके हैं इन इलाकों में बारिश की संभावना तो नहीं है, लेकिन जो तापमान है वो हीट वेव नहीं आएगी। और 7-8 तारीख को यहाँ पर कुछ इलाकों में यानी कि गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट, भरूच और सूरत, वलसाड़, इस इलाके में हल्की फुल्की बूंदाबांदी, हल्की बारिश या मेघ गर्जना हो सकती है, लेकिन उत्तरी जो जिले हैं अभी शुष्क रहेंगे। अभी फिलहाल हम पता नहीं सकते कि ये मानसून कब पहुंचेगा यहाँ पर, हालांकि मानसून के जो डेट है हम बताएंगे कि जो नॉर्मल डेट क्या होती है। तो अब अगर पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश लगभग शुष्क बना हुआ है, इस इलाके में बारिश नहीं है। बिहार के पूर्वी भागों में और उत्तरी भागों में बारिश हो सकती है, पूर्वी झारखंड में और पश्चिम बंगाल के कई जिलों के साथ साथ उड़ीसा के कुछ भागों में गरज चमक के साथ बौछारें होंगी, यानी कि यह देर दोपहर और शाम को जो बारिश होती है या गरज के साथ बौछारें पड़ती है वो हो सकती है, बिजली की गरज चमक भी हो सकती है, लेकिन बिजली गिरने की संभावना अभी फिलहाल नहीं है। इस बार काल वैसाखी गनीमत है कि नहीं आई है अभी तक, लेकिन जून के शुरुआती दौर में जब आता है सेकंड वीक में, तो काल वैसाखी जैसी स्थितियां कई इलाकों में बन सकती है, उस समय बिजली गिरने की संभावना बन जाती है। पूर्वोत्तर भारत में बहुत अच्छी बारिश की संभावना है, कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में अब ये जो ट्रफ रेखा आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश तक आ रही है, तो यहाँ पर यानी कि रायल सीमा में दक्षिण आंतरिक कर्नाटका और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां ज्यादा होंगी,
उत्तरी आंध्र कर्नाटक हो गया, तेलंगाना, उत्तरी आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के जो तटीय इलाके हैं यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। लक्षद्वीप में एक दो अच्छा स्पेल हो सकता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। जो मानसून है वो 3 तारीख तक यहाँ पहुंचा था, ये देखिए ये लाइन है। और मानसून क्या होता है कि धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है तो आप देखेंगे कि जो गुजरात में ये 20 जून को पहुंचता है दक्षिण में, और मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके और बिहार झारखंड को कवर करता हुआ उत्तराखंड तक आ जाता है 25 जून तक। यानी गुजरात में काफी धीरे धीरे आगे बढ़ता है, 20 से 25 जून को ये अपना द्वारका वगैरह से होता हुआ आगे चला जाता है, और 30 जून तक पूरे गुजरात को, राजस्थान के कई इलाकों को और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के कई इलाकों को कवर कर जाता है। 8 जुलाई को मानसून पूरे भारत को, ये नॉर्मल डेट है, कवर कर देता है। पहले क्या होता था, 1 सितंबर से मानसून विड्रॉ करना शुरू होता था, लेकिन अब पिछले कई सालों की तुलना में जब हमने देखा कि ये जो मानसून है लेट विड्रॉ करना शुरू हुआ है, तो जो एवरेज है वो हटा करके 1 सितंबर की जगह अब 17 सितंबर से मानसून वापस आना शुरू होता है, और 15 अक्टूबर तक पूरे भारत से मानसून विदा हो जाता है, और उसके बाद स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून की। यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून, जब पहले क्या होता है, हवाएं इस तरह से आती हैं अरब सागर से, इसीलिए इसको दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं, यानी कि साउथ वेस्टर्ली विंड आती है अरब सागर से लेती हुई हवाएं आती हैं और इस तरह से इसको मानसून को लेकर आती है, और यहां से जो नमी आती है वो इस तरह से घूमती है और यहां से अरब सागर की हवाएं आती हैं, तो इस तरह से मानसून आगे बढ़ता है। और जब मानसून विड्रॉ होता है तो हवाओं का रिवर्सल होता है, और जहां से नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है ये बंगाल की खाड़ी से जब नमी लेकर के आती है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में, तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटका, इस इलाके में जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है दिसंबर तक वो होता है। तो यानी कि इस तरह से मानसून की वापसी होती है, और जो मानसून की शुरुआत होती है वो 22 मई को साउथ अंडमान सागर यानी अंडमान और निकोबार के आसपास से शुरू होती है, लेकिन इस बार ये समय से पहले 16 मई को शुरू हुई थी, और अभी भी मानसून समय से आगे बढ़ रहा है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।